हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एपी क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी एकदम फिट होंगे, हेल्दी होंगे और लॉकडाउन के इस समय का पढ़ाई में सदुपयोग कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इससे पहले मैंने आपके लिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर वीडियो बना दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अंटार्कटिका महाद्वीप, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। तो बात करते हैं गोंडवानालैंड से। तो गोंडवानालैंड के जो पार्ट हुए उनमें से एक था अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो ये विश्व का पाँचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसे निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप और आशाका महाद्वीप कहते हैं। निर्जन महाद्वीप इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी मानव निवास नहीं करता। श्वेत महाद्वीप इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय तक बर्फ रहती है। और आशाका महाद्वीप इसलिए क्योंकि यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर बड़े बड़े खनिज के भंडार, गैस और अन्य पदार्थों के भंडार बहुत बड़ी मात्रा में मिलने की संभावना है। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व का कोई भी देश यहाँ पर रिसर्च कर सकता है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। एक ट्रीटी हुई थी 1959 में, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं इसकी खोज की। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का प्रथम प्रयास किन्होंने किया था? जेम्स कुक ने किया था। कब? 1773 में। परंतु वे असफल रहे यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन फिर भी जो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का श्रेय किनको जाता है? कैप्टन जेम्स कुक को। फिर अंटार्कटिका के मानचित्र की बात करें तो अंटार्कटिका का मानचित्र कुछ इस प्रकार है। इसके बिल्कुल बीच में साउथ पोल है और इसको दो श्रेणियाँ, एक तो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स और एक क्वीन मोड जो माउंटेन है बिल्कुल बीच में, वो इसको दो भागों में बांटता है, ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। और इसके जो बाहरी, जो इसका बाहरी क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग सभी देशों के क्या है, रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं। जो यहाँ पे डॉट डॉट दिखा रखे हैं, ये सारे रिसर्च सेंटर है अलग अलग देशों के। हमारे इंडिया के भी है, यहाँ पे तीन रिसर्च सेंटर हैं। फिर आगे बात करते हैं, अंटार्कटिका पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? फेबियन विलियम शोशेन, जो कब आए थे? 1820 में। और कौन से जहाज पे आए थे? वोस्टोक जहाज पर, ओके। फिर आगे बात करते हैं, जो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण थे। कब पहुंचे थे वो? 1960 में, ओके। फिर जो अंटार्कटिका है उसके बिल्कुल मध्य में क्या है, दक्षिणी ध्रुव स्थित है, जिस पर सबसे पहले कौन पहुंचे थे? जो नॉर्वे के निवासी थे एमंडसन, वो पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1911 में। और जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ओके। फिर बात करते हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है उसका, जो उस पर जो भारत का पहला वैज्ञानिक दल था वो कब गया था? 1981 में। और किनकी किनके नेतृत्व में गया था? तो SZ कासिम के नेतृत्व में गया था। इनका पूरा नाम है सैयद जहूर कासिम। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में जो भारत के तीन अनुसंधान केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है दक्षिण गंगोत्री, ये कब स्टेबलाइज किया गया? ये 1984 में लगाया गया, जो अब नष्ट हो चुका है। फिर सेकेंड मैत्री कब लगाया गया? 1987 में, जो अब कार्यरत नहीं है। और जो लास्ट में लगाया गया भारती, ये 2012 में स्टेबलाइज किया गया और ये अब कार्यरत है। इससे हमें जलवायु और मौसम संबंधी जो जानकारी है वो मिलती है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो अध्ययन केंद्र है वो भारत में कहाँ पे है? गोवा में है। फिर हम बात करते हैं अंटार्कटिका की जो संधि हुई 1959 में वो, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें यही निर्णय लिया गया कि इसका जो अंटार्कटिका है इसका कोई भी भाग किसी विशेष देश का न होकर इस पर सभी जो देश हैं विश्व के उनका समान अधिकार रहेगा।
मतलब कि कोई भी देश वहां पर जाकर ये अधिकार नहीं कर सकता कि ये विशेष पार्ट या ये विशेष भाग मेरा है। और इस पर क्या होगा कि जो सभी सभी देश हैं विश्व के, वो सभी इस पर क्या है, विज्ञान अनुसंधान कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के पर्वत, यानी कि माउंटेन्स ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी की, जो इसके मध्य में है, जो हमने मैप में देखी थी बिल्कुल बीच में। फिर जो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत है श्रेणी है, उसके जस्ट ऊपर क्या है, क्वीन बोर्ड पर्वत है, जो पूरे महाद्वीप को कितने भागों में विभाजित करता है, दो भागों में, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट, यानी एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। फिर इधर पूर्व साइड में क्या है, एक लॉर्सन हिल नाम से कुछ पहाड़ियाँ हैं, जिसके पास में बात की जो रिसर्च सेंटर है, कौन सी, भारती नाम से, वो वहीं पे स्थित है। यहीं पर एक माउंट एरेबस नाम का एक शिखर है, जो एक स्क्रिय ज्वालामुखी है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र स्क्रिय ज्वालामुखी है। ओके, फिर हम बात करते हैं विंसन मैसिफ की, यानी कि एक माउंटेन का नाम है विंसन मैसिफ, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4,892 मीटर है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, अब हम जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं। तो अंटार्कटिका में जो क्वीन बोर्ड पर्वत है, उसके आसपास एक घास का मैदान पाया जाता है, या एक घास पाई जाती है, जिसको हम लाइकेन के नाम से जानते हैं, जो हम इसमें आगे देखेंगे फोटो में भी। और इसी क्षेत्र में पेंगुइन नामक जो बिना उड़ने वाली चिड़िया है, वो भी पाई जाती है। और जो पेंगुइन है वो कुछ इस प्रकार की है, ये देखिए फोटो में, और जो लाइकेन घास है वो कुछ इस प्रकार की है। ओके, और यहाँ के जो उड़ने वाले पक्षी हैं, अल्बाट्रोस तथा पेट्रिल, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इनकी फोटो भी देख लीजिए कुछ, ये अल्बाट्रोस है और ये पेट्रिल है। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ के स्तनधारी जीवों की। तो यहाँ पे जो व्हेल है और सील है, जो बड़ी स्तनधारी जीव है, मतलब मछली के रूप में है, तो वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो क्रिल मछली है, उनके यहाँ झुंड पाए जाते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले, जो बर्फ प्रायद्वीपीय होने के कारण इसका जो आकार है, वो ऋतुओं के अनुसार क्या है, चेंज होता रहता है। तो इसीलिए इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लिम्बर्ट ग्लेशियर है। ओके, जो ये लिम्बर्ट ग्लेशियर है, इसको लिम्बर्ट ग्लेशियर भी कहते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ओके, और जो ओजोन रिक्तिकरण की जो प्रक्रिया की खोज थी, वो कहाँ पे की गई थी, अंटार्कटिका में की गई। कब की गई थी, 1985 में, किनके द्वारा, जो यूएसए की रिसर्च इंस्टीट्यूट है नासा, उनके द्वारा। ओके, अंटार्कटिका में ही एक घाटी है, टेलर घाटी, जिसकी खोज किन्होंने की थी, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। कब की, 1903 में, यानी कि 1903 में की थी। तो जब इन्होंने खोज की, तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, मृत्यु की घाटी, यानी कि वैली ऑफ डेड। ओके, लास्ट में हम बात करते हैं रोस सागर। तो रोस सागर है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसे किस नाम से जानते हैं, गार्डन ऑफ इडन के नाम से भी जानते हैं। ओके, और पर्यावरणीय सचेतता के कारण CCAMLR, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया, अक्टूबर 2016 में रोस सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और दो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो यह है रोज सागर, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ओके, तो ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।